दोस्तों सैटरडे डबल एडर का शाम का मुकाबला यानी 7:30 बजे मुकाबला जो शुरू होगा वो होगा छोले भटूरे वर्सेस वड़ा पाव के बीच में, यानी मुंबई इंडियंस वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच में। अब ये देखना होगा कि वड़ा पाव का छोले भटूरों पर पलड़ा भारी होता है या छोले भटूरों का वड़ा पाव पर पलड़ा भारी होता है। ये सब डिपेंड सबसे ज़्यादा करेगा पिच कैसी रहेगी, वेदर कैसा रहेगा, क्योंकि वानखेड़े मुंबई में ये मुकाबला होगा। सबसे पहले बात करते हैं पिच की। वानखेड़े की सब जानते हैं, अब शुरुआत में बहुत बैलेंस प्रोवाइड करता है ये पिच, लेकिन हमने पिछली बार पिछले मुकाबले में देखा था जब MIKKR के खिलाफ खेली थी वानखेड़े में, के स्पिनर्स को काफ़ी मदद मिली थी, गेंद टर्न भी हो रहा था, पीयूष चावला का गेंद टर्न हुआ KKR की तरफ से, सुयश शर्मा का गेंद भी काफ़ी टर्न हुआ था, सुनील नारायण का भी लगभग काफ़ी जो गेंद था टर्न हुआ था। और नई गेंद से अगर आप स्पिनर को उतार देते हैं, वैसे उतारेंगे नहीं लेकिन, तो गेंद ड्रिफ्ट होने की भी काफ़ी संभावना रहती है। शाम का मुकाबला है और ड्यू के चांसेस तो रहते ही हैं वानखेड़े में। देखिए सेकंड इनिंग्स में ड्यू आ जाता है और टीम जो है जब डिफेंड कर रही होती है तो मुश्किलें हो जाती हैं उनके गेंदबाज को, क्योंकि गेंद ड्यू से गीला हो जाता है आउटफील्ड में जाकर और वहाँ पर ग्रिपिंग वगैरह करने में प्रॉब्लम आती, तो बैट्समैन पूरे तरीके से रोल में आ जाते हैं। और लाल मिट्टी है महाराष्ट्र में, तो लाल मिट्टी रहती है, मुंबई में तो ज़बरदस्त यहाँ पर गेंद नई गेंद से उछाल भी मिलेगा और आप पर हिट द डेक बॉलिंग करें तो ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है नई गेंद से। फिर जब मिडल ओवर्स में स्पिनर आ जाएंगे तो फिर जो पिच में इतने मुकाबलों में वीर एंड टीयर हो गए उसमें स्पिनर्स जो है कामयाब रह सकते हैं। अब बात करते हैं वेदर की। तो शाम का मुकाबला खैर हल्की हल्की ठंडी हवाएं चलेंगी और जिस हिसाब से देखें तो ड्यू भी आ जाएगा सेकंड इनिंग्स में, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ह्यूमिडिटी काफ़ी रहती है मुंबई में, ह्यूमिडिटी और गर्मी रहेगी रहेगी और कॉम्बिनेशन रहेगा थोड़ी ठंडी हवाओं का और गर्मी भी रहेगी। और ये थी वेदर रिपोर्ट और पिच रिपोर्ट मैंने बता दी। आप किसकी तरफ है, छोले भटूरे की तरफ या वड़ा पाव की तरफ, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।